परिवर्तन यात्रा में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने बेंगलुरु में की जनसभा, कन्नड़ भाषा से शुरू किया अपना संबोधन। छिड़ा हिंदू राग, चला बजरंगी दाव, कर्नाटक में इसी साल होने विधानसभा चुनाव। योगी बोले, कर्नाटक की भूमि ने भगवान राम को दिखाई की राह, सीता हरण पर इसी धरती से हनुमान ने भगवान श्री राम को दिखाया था रास्ता। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर किया करारा वार, कहा हिंदुओं की ताकत देखकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को कहना पड़ा मैं भी हिंदू हूं। यूपी के सीएम योगी ने सीएम सिद्धरमैया के खुद को हिंदू बताने पर कसा तंज, बोले ये ठीक वैसा ही है जैसे गुजरात में राहुल गांधी को याद आए थे मंदिर। आज जब आपकी ताकत को उन्होंने देखा है तो उनको भी हिंदुत्व तो याद आ रहा है, राहुल गांधी को जैसे गुजरात में मंदिर याद आ रहे थे। कर्नाटक में बीजेपी के 22 कार्यकर्ताओं की हत्या का योगी ने उठाया मुद्दा, कानून व्यवस्था को बताया खस्ता हाल, यूपी में 10 महीने में एक भी दंगा नहीं होने देने का दिया हवाला। परिवर्तन यात्रा में कर्नाटक पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, बेंगलुरु में नाथ संप्रदाय से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए, गोरक्षनाथ को बताया मंजूनाथ का अवतार। अगरतला में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रैली की, कांग्रेस पर जमकर बरसे, उनकी नीतियों को कोसा। शिलांग में भी अमित शाह रैली को कर रहे थे संबोधित, बीजेपी दफ्तर का भी किया उद्घाटन। त्रिपुरा के अंबासा और उदयपुर में अमित शाह ने की रैली, अप्रैल में होने हैं मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में चुनाव। अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर किए करारे वार, नोएडा मेट्रो के उद्घाटन में नहीं बुलाए जाने का दिखा मलाल, कहा मुझे नहीं बुलाया लेकिन सीएम योगी जाकर भी नहीं कर सके उद्घाटन। पूर्व सीएम अखिलेश अंधविश्वास से नहीं उबर पाए, कहा सीएम योगी अभी तो सिर्फ नोएडा गए हैं, इसका असर होना अभी बाकी, भविष्य में हार की ओर किया इशारा। मुख्यमंत्री जी भी बटन नहीं दबा पाए, ना झंडा दिखा पाए, हमने तस्वीरों में ये बात देखी, हम तो यही मानेंगे नोएडा जाने में ही होता है और अभी नोएडा का तो असर दिखना है। अखिलेश ने योगी सरकार को समय काटने वाली सरकार बताया, महिलाओं पर बढ़ते अपराध का जिक्र किया, बीजेपी की लगातार जीत को ईवीएम का करिश्मा बताया। अखिलेश ने आलू और गन्ना किसानों की बेहाली का किया जिक्र, बोले सीएम योगी यूपी के बजाय हिमाचल जाकर करते हैं किसानों का जिक्र, इतनी बड़ी तादाद में कभी यूपी के किसानों ने आत्महत्या नहीं की। यूपी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे ने अखिलेश पर किया पलटवार, कहा ईवीएम वोटिंग में ही जीतकर अखिलेश बने थे सीएम। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने बस्ती में अखिलेश पर कसा तंज, बोले वो जीते तो जनता के, हारे तो ईवीएम का करते सुमिरन। यूपी में धार्मिक स्थलों पर लगने वाले लाउडस्पीकर पर लगेगी रोक, हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में प्रशासन लेनी पड़ेगी इजाजत। यूपी में जारी है तीन तलाक का सिलसिला, 3 दिन में सामने आए 3 तलाक के 3 मामले। तिरुपति में 44 गैर हिंदू लोगों को हटाने की तैयारी, मंदिर ट्रस्ट में तिलक लगाना किया अनिवार्य। विकास की बातें करने वाली बीजेपी सरकार की उत्तराखंड में खुल गई कलई, उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय के पास विकास भवन जाने वाली सड़क खस्ता हाल। 26 जनवरी को लेकर देश के 7 राज्यों में गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना रहने की सलाह। दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लिए जारी किया गया अलर्ट, इंडिया गेट के पास जमीन से आसमान तक कड़े सुरक्षा के इंतजाम। सिंगापुर में आसियान इंडिया प्रवासी भारतीय दिवस, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया संबोधित, कहा सभी एशियाई देशों से भारत बेहतर संबंधों का इच्छुक। चारा घोटाले में 3.5 साल की सजा मिलने के बाद लालू को अदालत से नहीं मिलेगी जमानत, बेल के लिए हाईकोर्ट जाएगी आरजेडी। सीबीआई के जज शिवपाल सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई सजा, लालू पर 5 लाख रुपए का जुर्माना। लालू को हजारीबाग की ओपन जेल में बितानी होगी सजा, कल बिरसा मुंडा जेल से किया जाएगा शिफ्ट। चारा घोटाले के दोषी लालू अब उगाएंगे पौधे, लालू को हजारीबाग जेल में मिलेगा माली का काम।
सजा का ऐलान होते ही लालू ने ट्वीट कर पीएम पर साधा निशाना लिखा, लड़ते लड़ते दे दूंगा जान, नीतीश समझे हैं का। हाफिज सईद के मामले में काम आया भारत का दबाव, चौतरफा घिरे पाकिस्तान ने ब्लैकलिस्ट किया संगठन जमात-उद-दावा। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने जारी किए 72 ब्लैकलिस्ट संगठनों के नाम, जमात-उद-दावा के सहयोगी संगठन फलाह इंसानियत को भी किया गया शामिल, लश्कर और जैश के भी नाम। प्रतिबंधित संगठनों को चंदा देने पर लगी रोक, चंदा देने वालों को जाना होगा 10 साल के लिए जेल, भारी जुर्माना लगेगा, संपत्ति की जा सकती है जब्त। गृह मंत्रालय ने लोगों से प्रतिबंधित संगठनों के साथ दूरी बरतने की सलाह दी, इस्लामाबाद पुलिस ने राजधानी में FIF का बैनर लहराने वाले लोगों के खिलाफ 3 रिपोर्ट दर्ज की। पाक गृह मंत्रालय ने जारी की ट्विटर के सस्पेंड अकाउंट की लिस्ट, जमात-उद-दावा फलाह इंसानियत का ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड। अमेरिका के पाकिस्तान को आर्थिक सहायता रोके जाने के बाद हाफिज पर हुई कार्रवाई, अफगानी नेटवर्क और अफगान तालिबान पर सख्त कार्रवाई तक मदद रोके जाने का ऐलान। भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद पर फिलिस्तीन का यूटर्न, हाफिज के साथ मंच साझा करने वाले राजदूत की फिर से होगी बहाली। पाकिस्तान ने सिंध में 2 पाकिस्तानी हिंदुओं की हत्या के बाद बाड़मेर में प्रदर्शन, भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग। राजनाथ ने लगाया पाकिस्तान पर घाटी की युवकों को गुमराह करने का आरोप, व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाई। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा ने भारत पाकिस्तान की सरकार के बीच बातचीत के जरिए कश्मीर का हल निकालने की अपील की, कश्मीर की हिंसा पर जताया दुख। सचिन की बेटी सारा का अपहरण करने की धमकी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भंडरा पुलिस ने 32 साल के युवक देव कुमार को वेस्ट बिंदापुर से गिरफ्तार किया, फोन पर कई बार दे चुका था अपहरण की धमकी। इडावा महोत्सव नहीं दिखाने पर पिता से खफा हुआ मासूम, पुलिस से की शिकायत, पिता को पीटने के लिए कहा। 12 साल के मासूम की शिकायत पर पुलिस ने उसे कराई इटावा महोत्सव की सैर, झूला भी झुलाया। तमिलनाडु में बसों की हड़ताल का 4th दिन, वेतन बढ़ोतरी की मांग पर अड़े कर्मचारी, यात्री परेशान। पावर लिफ्टर की मौत, सिंधु बॉर्डर के पास हुआ हादसा। कार हादसे में वर्ल्ड चैंपियन पावर लिफ्टर सक्षम यादव और खिलाड़ी बाली गंभीर रूप से घायल, दोनों घायल खिलाड़ियों को नरेला के हरीश चंद्र अस्पताल से शालीमार बाग के मैक्स अस्पताल भेजा गया। तेज रफ्तार कार के डिवाइडर पर चढ़ने के बाद पुल से टकराने की वजह से हादसा, छत उड़ गई। हादसे में मरने वाले 4 खिलाड़ियों में से 3 की हरीश, टिंकू, सूरज के तौर पर हुई पहचान। लेह में जमा देने वाली सर्दी का सतम, जगह जगह पाइपलाइनों में जमा गया पानी, अलाव से पिघलाकर पानी पीने की आई नौबत। लेह में दरिया के बीच तैरती नजर आई बर्फ की परतें, नदी के दोनों किनारे पूरी तरह से जमे। घरों में पानी जमने से बचाने के लिए लगातार अंगीठी पर रखना पड़ रहा है पानी से भरा बर्तन। कड़ाके की ठंड में लेह वासियों का अलाव बना सहारा, गर्म कपड़ों से पटा बाजार। लेह में -30 डिग्री तक लोगों को सहना पड़ रहा है टॉर्चर, ठंड में बुनियादी सुविधाओं से भी रहना पड़ रहा है महरूम। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घनी धुंध ने बढ़ाई मुश्किलें, घंटों की देरी से चल रही हैं ट्रेनें। एटा में विकलांग की सर्दी से मौत, लोगों ने चंदा कर किया अंतिम संस्कार। वाराणसी में सरकारी अस्पताल की स्थिति सदियों में खस्ता, महिलाओं नवजातों के लिए हीटर ब्लोअर के इंतजाम। चंडीगढ़ के जूलॉजिकल पार्क में ठंड से जानवर भी त्रस्त, लकड़ी और प्लास्टिक शीट्स का इंतजाम, बाड़े में लगे ब्लोअर। राजस्थान में कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना किया मुहाल, झुंझुनू फतेहपुर बीकानेर में तापमान 1 से 2 डिग्री के बीच। हरियाणा के हिसार में पारा 2.6 डिग्री, कोहरे का कहर जारी। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, कई जगहों पर 0 के नीचे तापमान।
बद्रीनाथ के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, -7 तक पारा। सिक्किम में मौसम की पहली बर्फबारी, -2 डिग्री तक तापमान। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कड़ाके की ठंड, घरों में दुबके लोग। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गन्ने के खेत में छिपे बदमाशों की तलाश जारी। पीलीभीत में सड़क पर जलकर खाक हुई कार, बाल बाल बचे कार सवार। आरोपी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के माउंट आबू स्थित एक और ठिकाने पर छापा। संतपुर नयाखेड़ा केंद्र में पुलिस ने 72 लड़कियों से पूछताछ की। मुंबई के परेल में शिव शक्ति इंडस्ट्रियल स्ट्रीट बिल्डिंग में लगी आग, 3 मंजिला इमारत पर पहली मंजिल पर लगी थी आग। बेंगलुरु में मेन होल की सफाई के दौरान 3 सफाईकर्मियों की मौत, जहरीली गैस से दम घुटने की आशंका। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर की जांच करेगी सीबीआई, केंद्र के आदेश के बाद सीबीआई ने दर्ज की 3 FIR। गुरुग्राम के प्रद्युम्न मोड़ केस में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई, अदालत ने 8 जनवरी तक सुरक्षित रखा फैसला। दिल्ली के द्वारका में फोटो लैब और कैमरे शोरूम में चोरी, करीब 40 लाख रुपए लेकर चोर फरार। दिल्ली पुलिस ने शूटआउट के दौरान 2 बदमाशों को दबोचा, एनसीआर में कारतूस सप्लाई करने का आरोप। दिल्ली में लोगों के एटीएम कार्ड और पिन लेकर पैसे निकालने वाले गिरोह का भंडाफोड़, करीब 500 वारदात को अंजाम देने का शक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।